एंड आई एम गोना मंच ऑन माय जिस पे नेपुन की नजरें हैं। एक बाइट अब नहीं दूंगी, एक बाइट तो ये गलत बात है। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें खाना है कि नहीं। नहीं खाना, पर मुझे बाइट लेनी है। अब इस आई पे तो परफेक्ट लगा है, अब जैसे ही उस आंख पे आऊंगी ना। निपुन इज आल्सो वेयरिंग सेम क्लोथ्स, मतलब ऐसे हंसते हंसते ना मतलब जॉ दर्द हो गया मेरा। मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे। एक्चुअली इट्स 10:30। मैं सुबह 7:30 बजे से उठी हुई क्योंकि आज मेड भी जल्दी आ गई थी। आज काफ़ी बर्तन भी थे इनपैक क्योंकि कल रात को जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स आए हुए थे। और कल रात को ना मतलब आई फॉर द फर्स्ट टाइम डिड नॉट केव इन टू लाइक टेम्पटेशंस। ज़्यादा कुछ नहीं खाया मैंने, थोड़ा थोड़ा पोर्शन साइज कंट्रोल करने की कोशिश करी मैंने। तो जैसे मैंने चिकन बनाया था और राइस, तो मैंने बहुत छोटा सा पोर्शन लिया उसका। गर्मा वगैरह जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो इडली और सांभर लेकर आए थे, तो मैंने थोड़ा सा वो स्नैक्स में खाई दो इडली, बड़ी टेस्टी थी। और मैंने कल जो चटनी बनाई थी वो भी बहुत यम्मी बनी। मैं आज जो है ब्रेकफास्ट में कल का जो मैंने सोचा था चीला वो खाने वाले हैं, तो उसके साथ चटनी खा रही हूँ। इस चटनी में ना मैंने थोड़े से पीनट्स डाले, तो पता नहीं मतलब कैसे मेरे को ऐसे ही होता है, मेरी एक्सपेरिमेंटल कुकिंग जो होती है। तो अम्बी, अनियन, टमाटर, धनिया, लहसुन एंड सम पीनट्स, लाइक 4-5 पीनट्स, एंड काफ़ी यम्मी बनी, काफ़ी करारी सी और बड़ी टेस्टी सी बनी। अभी फिलहाल जो है मैं ब्रेकफास्ट का कर रही हूँ कार्यक्रम, भूख लग रही है। निपुन तो लेट उठा आज, मतलब मेड दीदी थी तो मैं जाग ही रही, मतलब होता है वो आती है तो ऑब्वियसली नींद खुली होती है, जागते सोते कहाँ है। दिखाती हूँ कि क्या प्रेपरेशन कर रही हूँ। ये उड़द दाल चीला मतलब काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का मुझे लगता है, क्योंकि एक तो फर्मेंटेड होता है, डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, एंड देन मूंग दाल इज ऑल्सो हाई इन प्रोटीन आई गेस, सो यू नो इट्स अ गुड ब्रेकफास्ट ऑप्शन। सो लेट्स सी व्हाट वी आर मेकिंग फॉर ब्रेकफास्ट। साथ साथ में थोड़ा सा एप्पल भी खा रही हूँ, मुझे थोड़ी भूख लग रही है। एंड दिस इज द मूंग दाल चीला। इसमें मैंने हल्का सा पानी डाला है इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए, और इसमें प्याज दीदी ने काटे हुए थे थोड़े बहुत, वो डाल दिए। मैं इसमें खूब सारा कड़ी पत्ता डालूंगी, इसको धोऊंगी पहले, एंड धनिया डालूंगी इसके अंदर, और थोड़ा बहुत नमक, मिर्ची, दैट्स इट। हाँ, और इसके ऊपर जब बनाऊंगी तो ग्रेट करके इस पर पनीर डालूंगी थोड़ा बहुत। थोड़ा सा जो है मैं पहले तड़का सा बना रही हूँ। अब इस तेल में जाएगी थोड़ी सी राई, और इसी के साथ थोड़ी सी लाल मिर्ची जो कलर वाली होती है, और थोड़ा सा नमक, इसको मिक्स कर देंगे। और अब ये जा रहा है कड़ी पत्ता, और इसको अब डाल देंगे इस पे। देन वी कांट डू एनी डिश विदाउट सम धनिया, तो खूब सारा धनिया डाल रही हूँ मैं इस पे। अब बैटर लग रहा है बढ़िया। हालत कैसी सी हो रही है कि इतनी गर्मी, अभी नहाई नहीं हूँ, बट आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट ऑन टाइम टूडे। मतलब ऐसे 11 बज रहे हैं, 11 बजे तक भी हम ऑनेस्टली नहीं करते हैं कभी कभी ब्रेकफास्ट। निपुन स्टिल नॉट हैविंग, ही इज हैविंग चाय एज यू सॉ, एंड आई एम गोना मंच ऑन माई जिस पे निपुन की नजरें हैं। एक बाइट अब नहीं दूंगी, एक बाइट ये गलत बात है। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें खाना है कि नहीं। नहीं खाना, पर मुझे बाइट लेनी है। ये क्या बहुत है, इतना टेस्टी बना है, मैं ऑलरेडी एक बाइट ले चुकी हूँ। तुमने क्यों नहीं बोला हाय राम, चटनी चटनी के साथ खाएगा तो ऑब्वियसली। कैसा बना है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है। ऑल राइट, तो काफ़ी कुछ हो गया फ्रॉम द लास्ट टाइम आई व्लॉग। तो पापा भी आए थे, तो थोड़ी देर पापा आए, थोड़ी देर बातें बातें करी। कल रात का मैंने उनको बटर चिकन थोड़ा बहुत खिलाया विदाउट बटर, हाँ मतलब फन था। उसके बाद मैंने काफ़ी रेस्ट करा। आज मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा तैयार व्यार हो रही, तो थोड़ा सा साथ में तुम लोगों के साथ तैयार हो जाती हूँ। आज हम लोग ना बहुत टाइम बाद कहीं जा रहे हैं बाहर, मतलब बाहर मतलब किसी सोशल गैदरिंग में। वी आर गोइंग टू अ स्टैंड अप कॉमेडी शो, वन ऑफ आर कॉलेज फ्रेंड्स इज परफॉर्मिंग देयर, सो वी आर जस्ट काइंड ऑफ गोइंग यू नो जस्ट हैव अ गुड टाइम एंड होप इट विल बी नाइस, दो आई एम नॉट ऑनेस्टली। अच्छा, मैं साथ साथ अपना मेकअप करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने ना आसपास अपने सब कुछ रख लिया है, मैं बहुत थोड़ा मेकअप करने वाली हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली जो है मास्क लगा होगा सारे टाइम, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही मेजर मेकअप करने वाली हूँ, बट हाँ छुटपुट छुटपुट करूंगी। थोड़ा बहुत कंसीलर लगा रही हूँ, ये मैक वाला है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ लाइक अ स्टैंड अप कॉमेडी पर्सन, इनफैक्ट लाइक आई विल बी द लास्ट पर्सन हु वुड वॉन्ट टू गो फॉर स्टैंड अप कॉमेडी, बट आई नो दैट निपुन फॉर अ फैक्ट रियली लाइक्स यू नो गोइंग टू स्टैंड अप कॉमेडी, एंड उसके लिए भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हाँ, लाइफ में इतनी सारी चीजें चल रही है, मतलब इतनी
सारी प्रॉब्लम्स हैं और इतना स्ट्रगल है सबके लाइफ में. हाँ, थोड़ा बहुत अगर कोई हंसा दे देन व्हाई नॉट. इस वाले स्टूडियो में शूट कर रही हूँ तो मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ. मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं ब्रशेज भी नहीं लाई कोई. बहुत बढ़िया, दो ब्रशेज ले आई हूँ. और ये वाला जो मैं मेकअप कर रही हूँ ना, वो मैं जब ऑफिस जाया करती थी, जब किसी जमाने में हम लोग ऑफिस जाया करते थे, तब मैं करती थी. बिल्कुल हल्का सा कंसीलर लगाती थी, जो स्टूडियो फिक्स है वो अपने फेस पे. ऐसे मुझे लगता है कि मेरे पे जैसे ही मेकअप मेरे फेस पे चढ़ता है ना, मुझे इतने पसीने आ जाते हैं कि मुझे लगता है कि यार नहीं. सो अभी बस मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जर भी लगा रही हूँ साथ साथ. ये तो आप लोगों को पता ही है, मैं कितने मेकअप वाले वीडियोज में दिखा चुकी हूँ इसको. दिस इज मैक मेल्बा करके ब्लश है, ये मुझे बहुत पसंद है. एंड आज बाय द वे पता नहीं क्यों मैंने ना फुल स्लीव्स की ड्रेस पहन ली है. अब देखा जाएगा, आई होप वहाँ पे एसी हो, लाइक आई रियली होप वहाँ पे एसी ढंग का हो, अदरवाइज जो है मेरे को वैसे ही इतने पसीने आते हैं. आज ना मैं आईलाइनर लेकर आई हूँ, ब्लू वाला. रियली होप इट्स नॉट अ फेल बिकॉज अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. तो हेयर आई गो, थोड़ा सा बस विंग करने वाली हूँ इसको. अब इस आई पे तो परफेक्ट लगा है, अब जैसे ही मैं उस आँख पे आऊँगी ना, काफ़ी संभावना है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है. इतने टाइम बाद आईलाइनर लगा रही हूँ मैं यार. आई थिंक दिस इज फाइन इनफ. फ्लिक ऑन बोथ द साइड्स. मैं ज्यादा पंगे नहीं ले रही, मैं अपनी आईब्राउ पेंसिल भूल गई हूँ. अब भूल गई हूँ तो भूल गई हूँ. हल्का सा काजल जो है इधर स्मज करूंगी. ऑनेस्टली सिर्फ आईज ही तो दिखनी है, मतलब और तो कुछ दिखना भी नहीं है, इसलिए कोई पॉइंट ही नहीं है और कुछ करने का. हाँ, लिपस्टिक लगाऊंगी, लगा लेती हूँ खुद के फील गुड फैक्टर के लिए. अभी भी मेरा फेस ना इतना ऑयली हो रहा है, लाइक आई मीन यू ऑल कैन ऑल्सो सी राइट, पता चल रहा है देख के. स्टिक भी लगा लेती हूँ. सो ये लिपस्टिक एक्चुअली मेबेलिन वालों ने एक पूरा पैकेट भेजा था जिसमें काफी सारी लिपस्टिक्स थी, तो ये न्यूड वाली लिपस्टिक है, ये लगा लेती हूँ. दिस इज लाइक काइंड ऑफ लाइक ट्रैवल साइज टाइप वाली लिपस्टिक्स. एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस लिपस्टिक इज दैट ये मैट है, तो मतलब ये रहेगी, लाइक ऐसा नहीं है कि ये मास्क पे चिपक जाएगी. मैं फटाफट बाल थोड़े से स्ट्रेट करती हूँ और तैयार होकर तुम लोग से मिलती हूँ. ओके, सो आई एम रेडी. एज यू ऑल सॉ, आई गॉट रेडी अलॉन्ग विद यू टुडे. एंड दिस इज माई ड्रेस. एक्चुअली ड्रेसेस पहनने में ना समर्स में थोड़ा एयरी एयरी फील होता है, फिर नो बड़ा मीन, बट आई एम वेयरिंग लाइक टाइट्स बिकॉज ऑफ थायरा बी इशू. निपल ऑल्सो रेडी एंड बाई चांस ही इज वेयरिंग लाइक बिल्कुल एकदम नेवी ब्लू सेम कलर का. वेट करती हूँ उसके आने की. आई होप वहाँ पे भाई एसी वेसी तो होगा ना. निपल इज ऑल्सो वेयरिंग सेम क्लोथ, मतलब नॉट सेम क्लोथ, सेम कलर है. बट मास्क पहने अब सेम लग रहे हैं. मैं तो ब्लैक हूँ. This is blue, babe. I'm wearing blue eyeliner also today. Okay. My God, colorblind husband. Blue, blue. अब लग रहा है तुम्हें मेरा color orange dress का. Thanks. घर के अंदर मैं colorblind हो जाता हूँ ना जैसे. हाँ. इन्हें आने. भाई मेरे बाल खराब हैं तो. Sorry. हमेशा ये करती है ये. Hi. Hello, baby. Hi. अच्छा बैठ गया. बैठ गए. क्या चाहिए? प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, इतना प्यार चाहिए. हम लेट हैं. चलो. हमें लगा कि 7 बजे का शो है और उस हिसाब से हमें लगा था हम 7:02 का दिखा रहे हैं गूगल मैप टाइम से. हमें लगा आज तो फिर हम लेट हैं. बट देन आई जस्ट चेक्ड द पोस्टर ऑफ द वेन्यू, लाइक द एंटायर प्रोग्राम, इट्स 7:30 PM एंड नॉट 7, सो वी आर ऑन टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम. एक्सीडेंटली हम 7 बजे पहुंच जाएंगे. अब 7:30, हम आधे घंटे पहले हम लोग, मतलब सैडली हम लोग इतना टाइम पे नहीं पहुंचते हैं. पुलिस 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 पुलिस. ओहो, बड़े आदमी. हेलो हेलो, क्या हाल है? एकदम ठीक. देखा पहले गाड़ी भी लगवा रहे तो हम लोग आ गए हैं सेंट्रल क्लब ऑफ कॉमेडी और जिनसे आप अभी मिले हैं वो उनका एक स्टैंड अप कॉमेडी होने वाला है. मैं उनका जो इंस्टाग्राम का लिंक है हैंडल नीचे डाल दूंगी. एंड अभी आई थिंक इट्स गोना टेक लाइक हाफ एन आवर, सो वी जस्ट गोना सिट हियर और डेट मारने वाले हैं, कॉफी पियेंगे एंड फिगर आउट. हां, आई थिंक वी आर जस्ट पीपल आर जस्ट कमिंग आउट एंड वी आर हियर एट अ कैफे. अब फटाफट पीनी पड़ेगी कॉफी. आई एम ऑप्टेड फॉर अमेरिकानो लाइक ब्लैक कॉफी एंड आई एम आल्सो गोना हैव पनीनी होल व्हीट एंड का चिकन पनीनी. Then we're gonna have cappuccino and bhook lag rahi hai. Actually bhook lag gayi, so we're already started. Matlab subah I have had like this moong dal chila in the morning. So we're gonna have that. Hello. Oh, this is a takeaway. Yeah, let's go. So ye hum andar hi kha sakte hain? Pakka? Haan, baat ho gayi hai. Achha, theek hai. तुमने
काम हो जाता है. We literally had like a fun-filled stand-up comedy से भरा, काफी jokes से भरा, काफी सही evening थी हमारी. और अब हम लोग वापस जा रहे हैं. हमने सारे टाइम ऐसे मास्क वास्क पहना हुआ था. काफी सही performance थी हमारे college friend की, जिसका नाम है अनुराग. उसका Instagram link मैं नीचे डाल दूंगी. This was the first time we were attending his show. I was genuinely like very good, है ना? मतलब fun and एकदम मस्त मजे आए, मतलब काफी सही. और वैसे हंसते हंसते ना मतलब दर्द सा हो गया, मतलब जॉ दर्द हो गया मेरा कि अब बस बहुत हो गया. काफी सारी एक्ट्स लाइंड अप थी. एंड या बस अब हम लोग घर जा रहे हैं. टुमारो इज ऑफिस डे. सो या आई थिंक दिस इज वेयर आई एंड दिस लॉन्ग वीकेंड व्लॉग. इस वीडियो को लाइक करते जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना. काफी गंदी गाड़ी चला रहा है आदमी, बट I'm gonna see you all. Thank you so much for watching this video. Bye.